thank <laughs> you परम धाम से शिव निरा साकार मनुज तन का माध्यम बनाए दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिन

प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा हम परिवार परम पिता वो प्यारा है ओम शांति जब बाबा की याद में हम बैठते हैं मन शांत हो जाता है जैसे पानी जब शांत होता है कोई लहरें नहीं होती कोई हलचल नहीं होती तो बिल्कुल बाहर की अंदर की सब चीजें स्पष्ट नजर आती हैं बिल्कुल वैसे जब अंतर मन शांत हो जाता है शांति के सागर की याद से तो अंतर्मुखी होना दिल दर्पण में खुद को देखना समझना अपनी कमियों को पहचानना बहुत सहज हो जाता है और निकालने के लिए जो शक्ति चाहिए उसका आधार भी ये अंतर की निर्मलता ये पवित्रता ही तो है और जब हम अंतर्मुखी होकर अपनी चेकिंग स्वयं करके बाबा की याद से स्वयं को पावन बनाते हैं अपनी कमी और कमजोरियों को दूर भगाते हैं तो आत्मा सर्वप्राप्तियों से सर्व गुणों से सर्वशक्तियों से संपन्न बन जाती है तो ऐसा ही अभ्यास बार बार हर रोज हम करते रहें आज यही शिक्षा आज यही विधि बाबा हमें साकार मुरली द्वारा सिखा रहे हैं तो सुनते हैं बाबा की मीठी मुरली आज है 12 सितंबर 2023, बाबा के महावाक्य हैं मीठे बच्चे तुम्हें सौ परसेंट सर्व गुणों में संपन्न बनना है दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं प्रश्न है तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो hmm? उत्सव अर्थात जिस दिन हम उमंग और उत्साह में रहते हैं परंतु हम कौन सा उत्सव रोज मनाते हैं और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं हुँ? उत्तर सुनो तुम दैवी धर्म की स्थापना कांग अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो हुँ? रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है सेवा करते हैं ना तो क्या है सैपलिंग लगाना तो हम रोज उत्सव मनाते हैं वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की, की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता ये उत्सव केवल हम आत्माएं ही जानती है हम ही मनाते हैं और उसकी खुशी भी हम ही जानते हैं आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दरा जानते। यह किसने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी किसने कहा यहां तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है किस लिए देखने के लिए क्योंकि पतिथ अथवा पाप आत्माएं तो सब थे पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं यह श्रीमत देने वाला कौन है उनको भी समझना चाहिए बाबा को भी यथार्थ समझना चाहिए वही बोलते हैं आत्माओं को आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं दिल दर्पण में देखती है मैंने इस शरीर से कैसे कर्म किए हैं बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं यह तो जरूर है सब पतित थे ये तो सब जानते हैं अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं अंदर अंतर्मुखी होकर दिल दर्पण में झाको देखो कि हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप धारण कौन करा रहा है सर्व गुणों का सागर शिव बाबा वह बैठ समझाते हैं मनुष्य तो गाते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है अब तुम बच्चों को फिर सौ प्रतिशत सर्वगुण संपन्न बनना है निर्गुण से क्या बनना है ना सौ प्रतिशत सर्वगुण संपन्न बनना है कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे हुँ? पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए जब हम किसी को समझाते हैं तो सबसे पहले बाबा का परिचय देना है ऐसा जो बेहद का बाप है जिसके लिए गाते हैं क्या गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा से सुख घने रे उस परम पिता की बड़ी महिमा है कहते हैं और क्या महिमा है शिवाय नमः अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना तो फिर जब वो हेवन रचते हैं तो हमको भी हेवन लेने का हक है बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं भारत को स्वर्ग की बादशाही थी अभी नहीं है जरूर बाप से ही मिली थी भारत ही सच खंड बनता है सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है यह कोई नहीं जानते शिव जयंती मनाते हैं भारत में ही धूमधाम से मनाते हैं परंतु ये शिव बाबा का जन्म स्थान है इसे यथार्थ रीति कोई नहीं समझता शिवरात्रि गाई जाती है वह कौन सी श्री कृष्ण की भी रात्रि शिव की भी रात्रि दिखाते हैं है ना? जन्माष्टमी भी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म रात को बारह बजे हुआ शिवरात्रि भी नवरात्रि भी हुँ? तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे ऐसे देहधारियों की तरह बाबा का जन्म नहीं होता शिव बाबा आते ही तब है जब ब्रह्मा की रात होती है रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात हुं? यह बेहद की बात हो गई यह हद की रात्रि की बात नहीं हो रही ये बेहद की बात हो रही है हद की रात तो होती ही है परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश कौन सा अंधियारा अज्ञानता का अंधियारा कलयुग का घोर अंधियारा तो जब ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं तो यह अंधियारा छट जाता है। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है पहले पहले तो बाप और वर्से का परिचय देना है समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है हम्म किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ अंदर से तो समझता है ना, तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे सबको अनुभव है ना, अभी हम बेहद के बाप के बने हैं उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है यह अच्छी तरह परिचय देना है ना? खुद भी समझना है और जब दूसरों को समझाते हैं हम तो ये अच्छी तरह परिचय भी देना है और फिर लिखा कर लेना है हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है यह ज्ञान और कोई दे नहीं सकता हुँ? सारी सृष्टि में किसी वेद और शास्त्र में ये ज्ञान नहीं है सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं वह फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए खलास सब रिश्ते नाते तोड़ दिए यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है यहाँ बाबा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं वह गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं तुम बच्चों को बाप समझाते हैं तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे ज्यादातर सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे आत्मा भीतर गहराई में अपने आदि वाले जन्म में चली जाए फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो हुँ? जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार नहीं है सतयुग में त्रेता में पूजा करने की दरकार नहीं है वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था अभी पूज्य से पुजारी बने हो फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है इसलिए ही गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते बाप तो सदा पूज्य है ही भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं हम उनके बच्चे हैं हे परम पिता परमात्मा ऐसे कहेंगे ना, परम पिता परमात्मा कहा ना, वह तो है निराकार आत्मा भी है निराकार शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव यह आत्मा ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा जब कहा कि परम पिता परम आत्मा तो किसने कहा आत्मा ने कहा हुं? तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं दोनों की महिमा की जाती है अभी तुम मात पिता उस निराकार को ही कहते हो। हो अब ज्ञान हो गया है तो समझ से हम बाबा को परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं पहले अज्ञानवश थे तो सबको कह देते थे तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे है ना तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो कौन सी है वो कृपा योग और ज्ञान उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ज्ञान को धारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं निरंतर योगी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं है ना ताकि सुख घनेरे मिल सके कितनी सहज बात है तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के प्रैक्टिकल में हो केवल नाम मात्र नहीं हो सम्मुख बैठे हो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो हुँ। ये महावाक्य शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारित किए हैं तो दोनों के सम्मुख हो शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है वह कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो अपने को आत्मा समझो छोटा बच्चा तो इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता ना यह श्री कृष्ण तो कह ना सके यह तो बाप ही कह सकते हैं तो यह बड़ी भूल हुई है ना लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा उन सबको तो सुख मिला हुआ था वही सब चौरासी जन्म ले तमु प्रधान बने हैं मूल लक्ष्मी नारायण हुए यथा राजा रानी तथा प्रजा अर्थात जब लक्ष्मी नारायण पावन थे तो हम आत्माएँ भी पावन थी और जब वो आत्माएँ पतित बनी तो हम भी पतित बनते गए तो यथा राजा रानी तथा तो प्रजा अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बने और फिर हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बने यह तुम्हारा लीप जन्म है छोटा सा लीप कहा जाता है धर्माओं को तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है लीप जन्म है पवित्र जन्म है ईश्वरीय जन्म है दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं जहां तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है इम्पॉर्टेंट बात सभी नोट करेंगे जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है पॉइंट्स निकलती रहेंगी ऐड होती जाएंगी hmm? ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है रुद्र यज्ञ रचते हैं मिट्टी के सालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं आत्मा की पूजा होती है सालिग्राम यानी आत्माओं का यादगार है तुम जीवात्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है तो आत्माओं की पूजा करते हैं हम जीवात्माओं ने तो जीवात्मा यानी देवी देवताओं की भी पूजा होती है उनके रूप में हमारी पूजा होती है और फिर आत्मा रूप से सालीग्राम की भी पूजा होती है परम पिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो तो शिवलिंग के साथ सालिग्राम भी बनाते हैं हर एक चीज़ जो हम इस संगम युग पर कर रहे हैं उस हर एक चीज का यादगार बन रहा है परंतु यादगार का आधार क्या है याद जो जो कर्म हम बाबा की याद में रहकर करते हैं उसी आधार से वैसा ही यादगार बनता है तो याद के आधार पर यादगार तो मुख्य पहले पहले बाप का परिचय देना है शिव बाबा ने जन्म लिया परंतु माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं हम्म वह है ही निराकार तो बाबा का तो शरीर नहीं है तो बाबा अवतरित होते हैं जैसे कोई शरीर छोड़ देता है फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए तो आत्मा को खिलाते हैं ना आत्मा ही स्वाद लेती है कड़वा मीठा दुख सुख यह आत्मा को भासता है शरीर तो ये तो जड़ हो जाता है अगर आत्मा निकल जाए तो आत्मा में ही संस्कार है आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर है हा? फीलिंग किसको होती है आत्मा को पर किसके द्वारा होती है शरीर के द्वारा बाबा ने समझाया है हु? सजा कैसे मिलती है सूक्ष्म शरीर भी नहीं स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं गर्भ जेल में सजा खाते हैं त्राही त्राही करते हैं बस मुझे बाहर निकालो जैसे किसी को जेल में डाल देते हैं ना तो फिर बाहर से कांटेक्ट खत्म है ना जैसे सांस भी लेने को नहीं आती तो ऐसे ही गर्भ भी जेल की तरह होती है गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है बाहर निकलने नहीं चाहते थे यह दृष्टांत है सब एग्जाम्पल्स हैं सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है वहाँ कोई पाप होता नहीं अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं नाम ही है अजामिल जैसे पतित हुँ? अजामिल जैसे पतित अजामिल था तो ब्राह्मण परंतु कर्म बहुत पतित किए पावन माना निर्विकारी मूल बात ही विकार की है इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं तो उनको महात्मा कहते हैं महान आत्माएं मनुष्य सब पतित हैं इसलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजाराम अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बाबा राजा तो नहीं बनते ना राजा राम नहीं मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ श्री लक्ष्मी महारानी नारायण महाराजा तुम बनते हो हम नहीं मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ शरीरधारी जो हैं वह सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं बाप कहते हैं मैं हूं निराकार मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है जैसे बाबा एक्टिव वॉइस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं ना आमने सामने वैसे बात कर रहे हैं मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूं मैं इनमें ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करता हूं यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं बाप बैठ समझाते हैं तुम सो देवी देवता थे फिर क्या बने हुँ, चक्र को याद करेंगे फिर शूद्र बने अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो मैं तुमको समझाता हूं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे तो बाबा का ज्ञान समझने से पूर्व क्या बनना होगा ब्राह्मण बनना पड़ेगा ब्रह्मा बाबा के बच्चे पवित्र ब्राह्मण बाबा कहते हैं इस प्रकार तुमने चौरासी जन्म पूरे किए हैं कहा जाता है इक्कीस पीढ़ी का वर्षा बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना थोड़ा सा सुख थोड़ी ना देंगे बेहद सुख देंगे आत्मा को सुख देंगे लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है यहाँ तो अभी अभी सुख अभी अभी दुख परंतु वहाँ आदि मध्य अंत सुख ही सुख है यहाँ आदि मध्यंत दुख है तुम पार्वतियों को याद रखना आज का स्पेशल समान क्या है हम पार्वतियाँ। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं हम हैं पार्वतन में रहने वाली सच्ची सच्ची पार्वतियाँ हम आत्माएँ और स्वयं अमरनाथ शिव बाबा हमें अमर लोक ले जाने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं सत्यनारायण की कथा भी वह सुनाते हैं तो अमर कथा भी सुन रहे हैं सत्यनारायण की कथा भी सुन रहे हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है तो तीजरी की भी कथा है भारतवासी सदा सुखी थे बहुत पवित्र थे पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे नाम ही है स्वर्ग भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्म खंड आदि वहाँ नहीं थे झाड़ का थुर तो होगा ना। हुँ? थुर में कौन रहते थे बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं है ना थुरमे झाड़ के चित्र में देखे कौन है देवी देवताओं के चित्र हैं वह था फाउंडेशन परंतु अपने को देवी देवता धर्म बाले कहलाते नहीं हैं है ना क्योंकि पतित समझते हैं है ना खुद को निर्गुण समझते हैं जब पतित समझते हैं निर्गुण समझते हैं तो कैसे समझेंगे कि हमारे पूर्वज देवी देवताएं थे अभी उन्होंने की राजधानी स्थापन हो रही है तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो आओ तो हम आपको समझाएं तो ऐसे प्यार से समझाएंगे ना तो समझ जाएंगे तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो इस समय तो सब पतित है तो ऐसे ऐसे करके समझाना है कोई भी युक्ति से लिख सकते हो कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाएं पॉसिबल है परंतु ये कैसे हो सकता एक धर्म तो सतयुग में ही था एक मत एक भाषा थी ताली नहीं बजती थी वहां कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं सब तरफ शांति सुख समृद्धि का राज्य था विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था वह कैसे बने फिर और धर्म कैसे आए यह कोई भी बुद्धि नहीं चलाते हैं जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं तब ही पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं आओ उनको तो सतो रजो तमो में आना है जो भी आते हैं सबको सतो रजो से फिर तमो बनना ही है ये इस सृष्टि का नियम है कि प्रत्येक आत्मा सतो रजो तमो में आएगी ही परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो क्या बनते हैं पतित से पावन तमो प्रधान से प्रधान सब बुलाते हैं गॉड फादर आओ आकर के हमको हेवन में ले जाओ वह हेवन है कोई मुक्ति को कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है कहीं तो क्या चाहते हैं कि बस इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए वही उनके लिए स्वर्ग है परंतु तो हम यथार्थ समझते हैं कि हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है जीवन है पर सब बंधनों से विकारों से आत्मा मुक्त है तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है वह फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे हैं हम्म दिन का फर्क है न्यूज में आया होगा कि सभी लोग सैपलिंग लगा रहे हैं उनका भी उत्सव मनाते हैं वनोत्सव मनाते हैं ना, वनोत्सव झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं है ना पहले बहुत सारे प्लांट्स जब कट जाते हैं तो प्रकृति को फिर से बैलेंस में लाने के लिए वनोत्सव मनाते हैं सभी सैपलिंग लगाते हैं तुम दैवी धर्म स्थापना का अर्थात तो भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो कितने सैपलिंग लगाते हैं कितनों की सेवा करते हैं है ना रोज़ मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो हम भी बीज डालते हैं ना काटों से फूल बनाना यह तुम्हारा रोज का उत्सव होता है बागवान फिर ज़रूर इतना इनाम भी देंगे है ना जितने ज़्यादा सैपलिंग लगाएंगे काटों से फूल बनाएंगे फिर बागवान इनाम भी देगा बच्चों ने गीत सुना कौन सा गीत था मुखड़ा देख ले प्राणी है ना? हे प्राणी, अपने दिल दर्पण में देखो तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो सब चेक करते हैं रोज दिल दर्पण में कोई भी कर्म करें अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछ लें कि इन कर्मों से क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे कोई अवगुण तो नहीं है भल तूफान तो, तो खूब आएंगे माया छोड़ती कोई को नहीं है हुँ? बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है उल्टे सुलटे संकल्प तो बहुत बार करेंगे बाबा पहले से ही बता रहे हैं मजबूत रहना है कुछ भी हो जाए मजबूत रहना है इसमें मुरझाने की बात नहीं है बाप से योग तोड़ नहीं देना है इम्पॉर्टेंट क्या है बाबा से कनेक्शन नहीं तोड़ना है सबका खेवैया वह बाप है विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है ये खाड़ी विषय वैतरणी की बहुत बड़ी है उसे तुम योग बल से पार करते हो कौन सा बल चाहिए योग का बल विषय सागर से पार होकर तुम शीर सागर में चले जाएंगे हम्म विष्णु का राज्य शीर सागर में है दिखाते हैं ना विष्णु शीर सागर में शेष शैया पर लेटे हुए हैं अर्थात घी की नदी बहती है ऐसे कोई स्थूल घी की नदी नहीं बहती मतलब चारों तरफ संपन्नता ही सम्पन्नता होती है यहाँ तो घास लेट की रक्त की नदियाँ बहती हैं तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं ऐसे तो सब बैठे हैं परंतु तो मन बुद्धि से कहाँ जा रहे हैं शिवालय में जा रहे हैं जहां हम सदैव सुखी रहेंगे तुम सदा सुखी थे माया ने दुखी बनाया है गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है वहां है ग्रहस्थ व्यवहार धर्मी अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी ग्रहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं पहले पहले मुख्य है बाप का परिचय तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो तो सबसे पहले जब सैपलिंग लगाएं तो सबको बाबा का परिचय देना है यह तो दुख धाम है तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति मुक्तिधाम इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी यह याद रखो हमारे चौरासी जन्म पूरे हुए फिर हम कल आकर राज्य करेंगे दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो जब स्थूल में दर्पण देखते हो ना, तो उसी समय दिल दर्पण में भी अपनी शक्ल देखते रहो कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है तो जैसे दुनिया में सभी गहनों से श्रृंगार करते हैं वैसे ही अपने श्रृंगार को चेक करो कि मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है वो देखते हैं ना कहीं मुँह पर कोई दाग तो नहीं है उसको छिपाना है कौन से गहने पहनने हैं क्या कपड़े पहनने हैं कौन से रंग के पहनने हैं तो ऐसे ही अपने आप को भीतर से चेक करते रहो कि मुझे कौन कौन से गुण धारण करने हैं कौन कौन से ज्ञान के पॉइंट्स में अभी मेरे अंदर कोई कमी है कमज़ोरी है बाबा की याद निरंतर रहती है तो भीतर की सब चेकिंग चारों सब्जेक्ट्स की चेकिंग जब भी वो आईना देखो हुँ? फिर ये आईना देखो करते रहो तो बाबा कहते हैं तो दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है मजबूत रहना है दूसरा पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है वरदान है ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भावा क्या वरदान मिला डबल लाइट परंतु तो कैसे रहेंगे जब ट्रस्टी बनकर लौकिक जिम्मेवारियों को संभालते हुए अथक रहेंगे है ना अथक रहने के लिए पहले ट्रस्टी बन जाओ लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना इसका डबल लाभ मिलता है हुँ? डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर कर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा थकावट तन की इतनी नहीं होती मन की होती है जब कहते हैं ना मेरी जिम्मेवारी मुझे करना है मेरे बच्चे मेरी पत्नी मेरा काम तो ट्रस्टी नहीं होते गृहस्थी बन जाते हैं सब किसका है बाबा का है तो सब कुछ जब बाबा का है तो बाबा संभालेगा तो हम बस निमित्त हैं ट्रस्टी हैं जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है अपनी गृहस्थी समझा ना अपनी प्रवृति समझा तो बोझ लगता है अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का किसका है बाबा का है स्लोगन है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो किसके सामने ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी है ना? साथ कैसे रहेगी भाग्य की परछाई जब हम सदा बाबा के साथ रहेंगे बाबा की याद में रहेंगे बाबा की श्रीमत से हर काम करेंगे ठीक है ना तो आज कौन सा होमवर्क करेंगे बाबा ने शुरू में ही दे दिया मुखड़ा देख ले प्राणी तो दिल दर्पण में स्वयं की चेकिंग करेंगे हुँ? खुद को देखेंगे मन को शांत करके अंतर्मुखी होकर अपनी कमी कमजोरियों पर खुद ही वर्क करेंगे चेक करेंगे चेंज करेंगे जिस गुण की कमी है हुँ? जिस शक्ति की कमी है वो बाबा से लेंगे हु? तो आज बार बार यही अभ्यास करेंगे चलो बैठते हैं बाबा की याद में thank you